अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ सामान लेने, थोड़ा सा फिर थीसिस प्रिंट आउट करने हैं, बहुत सारे काम है। सो लेट्स डू शॉपिंग। लूसी के शॉट, लूसी 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 लूसी। मुझे ना ये वाले ग्लव्स चाहिए, आई नीड देम। ये कलर कितना प्यारा है यार, लेकिन मुझे इसके लिए ब्लीच करनी पड़ेगी बालों में, जो कि मैं करूँगी नहीं। मुझे बाल डैमेज नहीं करने और मैं ये वाला कलर ट्राई करने वाली हूँ जल्दी, लेकिन मैंने ख़रीद लिया। और उसके अलावा ये मैंने एक नई चीज़ देखी थी, जो ब्लैकेट्स निकाल के फिर ये स्पॉट स्टिकर जो है वो लगा दो, तो मैं ये जल्दी ट्राई करने वाली हूँ कि ब्लैकेट्स कैसे निकले। और यहाँ पे इतना सारा मेकअप है, मेरे घर पे भी ऐसा ही दुकान बना हुआ है, मेरे घर पे खुद का इतना सारा मेकअप है, लेकिन फिर भी दिल करता है ख़रीदें, लेकिन मैं ख़रीदूँगी नहीं यार। यहाँ पे ना मैं थीसिस अपने प्रिंट आउट करवाने आई हूँ। ये मेरी सारी थीसिस है जो कि कोरियन वर्जन में है, और मैंने ट्रांसलेट करवाई थी क्योंकि प्रोफेशनली सबमिट करनी है ना। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि उनको प्रिंटिंग के लिए दे दिया, और थोड़ी देर में ही उन लोगों ने मुझे दे दी। और तब तक मैं वेट कर रही थी, यहाँ पे हीटर भी चल रहा था क्योंकि बहुत ठंड थी। और ये मेरी थीसिस है जो कि स्प्रिंग लगवाने हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो मेन था जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, और ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट और थीसिस इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन सबमिशन करनी थी और ये डन हो गया। ये है मेरी यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने सीखी थी कोरियन लैंग्वेज। मैं हमेशा इधर आती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी अच्छी जगहें हैं बैठने की, वॉक करने की, और बहुत सारे लोग अपने डॉग्स लेके आए थे। लूसी जो है ना वो बड़े डॉग्स से ना बहुत डरता है, तो ये हस्की मुझे इतना पसंद है, इसकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं यार। तो वो हस्की और वो दूसरा वाला ना कोरियन डॉग है वाइट वाला, तो वो दोनों लूसी के पास आ रहे थे खेलने के लिए, लेकिन लूसी इतना डर रहा था, तो मैं लूसी की ख्याल कर रही थी बहुत। उसके बाद ना वो हस्की मेरी टांगों के नीचे घुस रहा था, इतना बड़ा डॉग, तो इसलिए फिर मैंने लूसी को उठा के उसको दिया कि वो थोड़ा थोड़ा लूसी के पास आएगा तो लूसी फिर ठीक के हो जाएगा, ओके हो जाएगा। और वो फॉरेनर था जिसके दो डॉग थे, तो ऐसे इतने मज़े से खेल रहे थे। और फिर घर आते आते मैं ना ये जो लेके आई थी ग्लव्स, क्योंकि ठंडा पानी है और हाथों में कुछ है, पानी में नहीं डालना चाहती हूँ मैं हाथ, क्योंकि डिटर्जेंट वगैरह लगता रहता है हर वक्त, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ग्लव्स पहन के ही बर्तन धो लूँ, बहुत आसानी होती है इससे, तो इसलिए मैं ये लेके आई। दूसरे ग्लव्स जो होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ये वाली जो साइज़ है ना वो फिट थी परफेक्ट, मतलब लड़कियों की साइज़, लड़कों के तो हाथ बड़े होते हैं लेकिन लड़कियों के लिए ये साइज़ बहुत ही अच्छी थी, तो मैं सेटिस्फाइड थी। ये ग्लव्स बहुत सस्ते मिले थे, उसके अलावा 5 थे इस पैकेट के अंदर, और मैंने फिर अच्छे से हाथ धोए, बर्तन धो लिए, और मेरे हाथ भी गीले नहीं हुए, मैं इतनी खुश थी। और बाद में मैंने ना इसको ड्राई करके इसे रख दिया। और उसके बाद ना मैं घर पे, आजकल रोमी नहीं है ना, मुझे रोमी की बहुत याद आती है, घर खाली खाली फील होता है, तो इसलिए मैं और लूसी एक साथ बस खेलते रहते हैं। लूसी जब जब मतलब मैं काम से फ्री होती हूँ तो लूसी को लेके बैठ जाती हूँ। कुली नंबर 1, मुझे ऐसा सनी लो चाहिए जो भाजी तरकारी लेने जाए तो भी चार्टर प्लेन में जाए। और फिर ना मैंने सोचा कि आज मैं क्यों ना मिल्क कॉफ़ी बना के पीऊँ, क्योंकि मैं मिल्क लेके आई थी। और उसके अलावा वैसे मैं अमेरिकानो पी लेती हूँ आजकल, लेकिन मिल्क कॉफ़ी भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें मैं चीनी डाल के पीना पसंद करती हूँ मिल्क कॉफ़ी में, इसलिए मैं अमेरिकानो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ फिर बिना चीनी के। तो सबसे पहले मैंने इसे थोड़े पानी में बस डाल दी कॉफ़ी, और उसके अलावा फिर दूध को माइक्रोवेव में गर्म कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इनको सिंपली दोनों को मिक्स करेंगे और कॉफ़ी फटाफट जल्दी वाली कॉफ़ी जो है वो रेडी हो जाएगी, क्योंकि मुझे ना मतलब बहुत थकावट फील हो रही है और टायर्ड टायर्ड फील हो रहा है, बाहर से काम वाम करके आई हूँ ना, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, साथ में मूवी भी देख लेते हैं, और उसके साथ साथ क्यों ना हम निम्को खाएँ, खट्टा मीठा निम्को, ये जो मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, इतनी मज़े की निम्को है, मुझे कुछ ज़्यादा ही मंगवा लेनी चाहिए थी, क्योंकि बस ये पैकेट ख़त्म हो गया। बाकी इसके अलावा एक और मूंग दाल उसका पैकेट है, तो ये ना हमारी निम्को एंड कॉफ़ी, निम्को चाय भी अच्छी होती है लेकिन निम्को कॉफ़ी। हाय,
यहाँ काम पर प्लम्बर लगते हैं। तो भेलपुरी खा रहा था। मेरे YouTube में ना 200K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 2 लाख। थैंक यू सो मच आप सबको, आप सब ने बहुत प्यार दिया, सपोर्ट दिया। ये मैंने छोटी सी सेलिब्रेशन की थी खुद की तरफ से इंडियन रेस्टोरेंट में, लेकिन मैं ना पर्सनली अलग से एक इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। ये जस्ट मैं आपसे एक मोमेंट शेयर कर रही हूँ कि मैंने खुशी जब मैं खुश होती हूँ तो मैं इंडियन खाना खाती हूँ या पाकिस्तानी खाना। और उसके बाद ये पराठा मेरा बच गया तो मैं पार्सल करा के घर लेके आ गई, और चाय के साथ इतना मज़े का था ये लच्छा पराठा। और उसके बाद ना मैंने, क्योंकि इस लच्छे पराठे के लिए स्पेशली चाय बनाई, तो मैं बहुत इंजॉय कर रही थी और साथ साथ टीवी भी देख रही थी। पराठे के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ भी है। क्या यार, मैं अभी तक ही पराठा खा रही हूँ, एक और चीज़ अभी ही आने वाली है कुछ ही सेकंड्स में, वो है ये समोसा, जो कि ना मैं लेके आई थी समोसे, क्योंकि मैं चाय के साथ मैंने सोचा था खाऊंगी। और ये समोसा इतना बड़ा था साइज़ में, और आलू वाला समोसा था, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, पाकिस्तानी समोसा जैसा टेस्ट दे रहा था। फॉरेन कंट्री में ऐसी चीज़ें हम बहुत मिस करते हैं, हमारे कंट्री की पाकिस्तानी जो स्ट्रीट फूड होते हैं हमारे कंट्री के, वो तो मैं बहुत ही खुश थी आज। अगर आप घर के काम करने से मना करती। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो खातून है इसमें इतना घमंड, इतना गुरूर है। बस सारा दिन मैं बिग बॉस देखती रहूं। और ये है कुछ बाथरूम के क्लिप्स, जहाँ पे बस मैं खुद को ही मिरर पे देखूँ, बहुत मुझे अच्छा लगता है मिरर पे देखना खुद को, और फोटोज़ निकालो, वीडियोज़ निकालो, तो जो अच्छा लगे वो करो यार। अभी मैं आई हूँ इथेवॉन किसी काम से, और -6 है ठंड बाहर, लेकिन फील्स लाइक -10, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। तो अभी जल्दी से काम करके भागूँ, बहुत ठंड है यार कोरिया में। खाली है स्टेशन। इथेवॉन खाली यार, ये जगह इतनी मतलब रश वाली होती है, खाली पड़ी है पूरी। फ्रीजिंग कोल्ड यार, हाथ पूरे जम गए, मतलब कोई वीडियो भी नहीं निकाल सकते इतनी ठंड में। तो जल्दी से काम करके भागती हूँ, सुपर कोल्ड। कितना अच्छा लग रहा है ये ट्री पीछे यार, वाह खूबसूरत। सारे पत्ते तो निकल गए, लेकिन फिर भी ना बहुत खूबसूरत लग रहा है। ओ ठंडे, ठंड के साथ इतनी हवा है, हवा देखो यार, मजाक नहीं कर रही, हाथ मतलब पूरा ड्राई सा हो गया, ठंड है। ओह लेकिन अच्छा लग रहा है, स्नो होने वाली है जल्दी, फिर हम ना स्नो की भी शॉट्स लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जब स्नो होती है तब मैं सो रही होती हूँ और यहाँ पे काम पे होती हूँ, तो स्नो इंशाल्लाह जल्दी शॉट्स लेंगे। पियेंगे मिल्क कॉफ़ी आज, पहले दूध को गर्म कर दूँ, बाकी ना कॉफ़ी के लिए थोड़ा सा गर्म पानी, इस दूध वाली कॉफ़ी है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट जाएगा नॉर्मल कॉफ़ी से। तो बस इसमें अभी जाएगी चीनी, और ये सेम ही कॉफ़ी मैंने कल भी बनाई थी, फिर आज भी बनाई, क्योंकि चस्का लग गया इस कॉफ़ी का, इतनी मज़े की होती है ये, काइंड ऑफ मिल्क कॉफ़ी कह सकते हैं इसको। तो बस सिंपल कॉफ़ी है ये, इसमें अभी डाल लेंगे हम। हाय लूसी, हाय लूसी को भी कॉफ़ी पीनी है क्या? तो इसको मिक्स कर दें, एंड कॉफ़ी इज़ रेडी, दूध पत्ती कॉफ़ी, मिल्क कॉफ़ी, दूध पत्ती। अभी बाहर से आई हूँ ना, खाना खाया मैंने, कल मैंने पकाया था चिकन और आलू का सालन और आज राइस के साथ खा लिया, और उसके बाद ये मेरे पास क्योंकि दूध पड़ा था ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि चाय बनाऊं, लेकिन चाय नहीं पीनी, तो इसलिए ना मैंने फिर कॉफ़ी बना ली, और बहुत मज़े की बनी है, फास्ट बन जाती है, नहीं तो फिर मुझे बर्तन धोना पड़ता अगर चूल्हे में पकाती। बस यही थी मेरी वीडियो,
कल और आज का दिन, दो दिन की, तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, खुदा हाफिज़.